Good afternoon, students. Welcome to this another session of accounts. आज अपन NPO का past paper का एक और sum देखेंगे from the year 2016. Marathi Vishwakosh Center Y has given you the following information from which you are required to prepare income and expenditure for the year ending 31st March 2013. एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013. तो आपका जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर 2012-13. आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है. सबसे पहले अपन देखते हैं रिसीप्ट साइड में कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस का अपन कुछ भी नहीं करते हैं. फिर लॉकर रेंट, ये आपकी रेगुलर इनकम है. लॉकर रेंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बता देंगे. एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दे रखा होता है, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है. पॉइंट नंबर 4, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. तो अपन को क्या करना है, जो भी ये एंट्रेंस फीस है इसका 50% कैपिटल फंड में ऐड करना है और बाकी का रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है. तो 50% 19,000 का 50% 9,500 आप इनकम साइड में बता देंगे और 9,500 आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है. कैपिटल फंड आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, 1,08,000 रुपया. उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये रेगुलर इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, इसको आप इनकम साइड में बता देंगे. रिसीप्ट ऑफ ड्रामा, इट इज आल्सो अ रेगुलर इनकम, रेवेन्यू इनकम, इसको आप इनकम साइड में बता देंगे. लेगेसीज, लेगेसीज का मतलब ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है, एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं. अमाउंट और अ गिफ्ट received under a will, वसीयत के द्वारा जो आदमी आपको डोनेशन देता है कोई प्रॉपर्टी का या कोई अमाउंट, उसको लेगेसी कहा जाता है. लेगेसी जनरली कैपिटल इनकम होती है, इसको कैपिटल फंड में एड करते हैं. लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तो आपको क्वेश्चन को ओबे करना है. यहाँ पे बोल रखा है कि लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो आप इसको कैपिटल फंड में एड कर देंगे. अगर क्वेश्चन बोलता 70% को रेवेन्यू इनकम मानो तो 70% इसका कैलकुलेट कर लेते 1,10,000 का और उस 70% को आप इनकम में बताते और बाकी का आप कैपिटल फंड में ऐड करते. तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है. अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो क्वेश्चन को ओबे करना है. मिसलिनियस रिसीप्ट, ये आपकी रेगुलर इनकम है. मिसलिनियस रिसीप्ट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बताएंगे. तो रिसीप्ट का अपन ने सारी चीजें देख ली, अब अपन पेमेंट साइड देखते हैं. स्टेशनरी आपका रेगुलर खर्चा है, स्टेशनरी को आप एक्सपेंडिचर में बताएंगे. अगर एडजस्टमेंट में कुछ दे रखा है तो उसका इफेक्ट दे देंगे. स्टेशनरी के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है. फर्नीचर, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आप बैलेंस शीट में बता देंगे. ब्रैकेट में दे रखा है इट इज परचेज्ड ऑन 1st January. तो आपका फाइनेंशियल ईयर है 12-13. अब आपने जनवरी में परचेज करा है तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आपने इसको इस्तेमाल करा है. तो आप क्या करेंगे, अगर कुछ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यह पॉइंट नंबर 5 में बोलता है कि इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसको हाईलाइट कर देंगे और 50,000 के ऊपर इंटू 10/100 इंटू 3/12 जो भी अमाउंट आएगा, यह आपका लॉस है. इस लॉस को आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे और उसका दूसरा इफेक्ट आप फर्नीचर में से माइनस करके बता देंगे.
फिर इन्वेस्टमेंट है आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बैलेंस शीट में बता देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ये आपका रेवेन्यू खर्चा है, इसको आप एक्सपेंडिचर में बता देंगे। देखिए रिसीव फ्रॉम ड्रामा भी दे रखा है, तो रिसीव को इनकम में बता सकते हैं, एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में बता सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर रिसीव ज्यादा है तो इनकम साइड में रिसीव को लिख सकते हैं और उसी में से एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। दोनों अप्रोचेस सही है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आपका रेगुलर खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। फिर सैलरी, सैलरी एडजस्टमेंट में आपका पॉइंट नंबर 4, 50% ऑफ द सैलरी इज टू बी, नहीं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000 रुपया, तो 22,000 में 3,000 रुपया ऐड कर देंगे, 25,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी बता देंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इनको लिख देंगे। कैपिटल फंड का मैंने आपको बता दिया, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। लेगेसीज का, सैलरी का, एंट्रेंस फीस का और डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट देना है ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब वन बाय वन अपन सारी आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में अपन पोस्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इनकम रिसीप्ट को अपन देखते हैं। लॉकर रेंट, आपका रिसीप्ट है तो इनकम है, आप इनकम साइड में लिख देंगे बाय लॉकर रेंट। कितना है इनकम आपका? 5,000 रुपया लॉकर रेंट का इनकम है। फिर है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस आई रिमेम्बर 19,000 रुपया था। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, 50% इज टू बी कैपिटलाइज लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। 50% इसका 19,000 का, 50% आपका इज इक्वल टू 19,000 इंटू 50/100, तो ये आपका 9,500 है। 9,500 आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे और 9,500 आप इनकम बता देंगे। अब इस दूसरा इफेक्ट इसका 9,500 का कैपिटल फंड में ऐड करना है। पहले आप कैपिटल फंड का अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है यह आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, 1,08,000 रुपया, तो आप 1,08,000 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे और 50% ऐड एंट्रेंस फीस, ऐड एंट्रेंस फीस 9,500 रुपया आप ऐड करेंगे। और अभी कई और आइटम है ऐड करने के लिए, इसलिए फाइनल टोटल को आउटर कॉलम में नहीं लिखते हैं। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना अमाउंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का? 1,500। उसके बाद नेक्स्ट आपका है रिसीव फ्रॉम ड्रामा 78,500 बाय रिसीव फ्रॉम ड्रामा 78,500। उसके बाद नेक्स्ट आपका लेगेसीज, लेगेसीज का क्या मतलब आपको समझाया जा चुका है, एक बार वापस अमाउंट और गिफ्ट
ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड अंडर अ विल, वसीयत के द्वारा जो गिफ्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है उसको लेगेसी कहा जाता है। लेगेसी के बारे में जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दे रखा होता है तो आपको वो ओबे करना होता है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। यहाँ पे दे रखा है पॉइंट नंबर टू में इट इज टू बी कैपिटलाइज, तो आप क्या करेंगे इसको लेगेसी को कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ऐड लेगेसी 1,10,000 रुपया आपने ऐड कर दिया। अगर आपको यहां पे दे रखा होता कि 70% को आपको इनकम ट्रीट करना है और बाकी को कैपिटलाइज करना है, तो 70% आप कैलकुलेट करते 1,10,000 का, उसको इनकम साइड में बताते और बाकी को आप कैपिटल फंड में ऐड करते। नेक्स्ट है आपका मिसलिनियस रिसीप्ट। मिसलिनियस रिसीप्ट बाय रिसीप्ट, मिसलिनियस रिसीप्ट आपका अमाउंट है 8,000 रुपया, ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, आपने इनकम साइड में लिख दिया। तो रिसीप्ट साइड की सारी चीजें आपने देख ली, अब अपन पेमेंट साइड चलते हैं। बाय स्टेशनरी, ये आपका रेगुलर रेवेन्यू खर्चा है, इसको आप एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं टू स्टेशनरी। आपका अमाउंट है 5,000 रुपया, 5,000 आपने आउटर कॉलम में लिख दिया। फर्नीचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर फर्नीचर अमाउंट आपका 50,000 रुपया, इसमें आपको पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 10% डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आपको चार्ज करना होगा। लेस डेप्रिसिएशन, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है 50,000 आपने लिख दिया और 10% भी आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये बोलता है ब्रैकेट में कि इसको 1 जनवरी को परचेस किया गया है और आपका ईयर कौन सा है 12-13 अप्रैल से लेके मार्च तक, तो आपने असेट को जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए यूज किया है, तो असेट को जितना यूज करते हैं उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है इनटू 10/100। अब आपने 3 महीने के लिए इस्तेमाल किया है इसलिए 3/12, तो 1,250 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है। आउटर कॉलम में आप 50,000 में से 1,250 माइनस करके लिख देंगे और ये 1,250 आपका लॉस है, आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,250। ओके, अब इन्वेस्टमेंट इट इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1,00,000 रुपया आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका 1,00,000 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने बैलेंस शीट में लिख लिया। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा आपका रेगुलर खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे 33,500 टू ड्रामा एक्सपेंसेस 33,500। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500 टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2,500। नेक्स्ट आपका मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी रेवेन्यू खर्चा है, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 4,000 रुपया आपका रेवेन्यू खर्चा है।
फिर सैलरी हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर तीन बोलता है 3,000 रुपया बाकी है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे टू सैलरी 22,000 रुपया, सॉरी सैलरी 22,000 रुपया एट आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। आउटर कॉलम में 25,000 रुपया, इसका दूसरा इफेक्ट, हाथों हाथ ही दूसरा इफेक्ट देने का, ये आपकी लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में बता देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसकी टोटल अपने आउटर कॉलम में लिख दी। आप कैश और बैंक बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश और बैंक बैलेंस। कैश आपका 3,000 रुपया है और बैंक बैलेंस आपका 1,10,000 रुपया है। आपने सारी चीजें पोस्ट कर दी है, एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। कैपिटल फंड भी हो गया, लेगेसी भी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंट्रेंस फीस और डेप्रिसिएशन, सारी चीजें रिसीप्ट साइड की, पेमेंट साइड की और एडिशनल इंफॉर्मेशन का अपन ने इफेक्ट दे दिया है। अब अपन सम की बैलेंसिंग करते हैं। आपका क्रेडिट साइड का टोटल 1,02,500। इनकम साइड का, एक्सपेंडिचर साइड का आपका टोटल 71,250। तो 70 खर्चे का टोटल 71,250। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो सरप्लस की स्थिति है। आप इनकम में से खर्चे को माइनस कर देंगे तो आपका जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं सरप्लस। तो 31,250 आपका सरप्लस निकल के आया। यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, और इस सरप्लस को आप क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इस सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 31,250। आप कैपिटल फंड में आपने एंट्रेंस फीस, लेगेसी और सरप्लस ऐड करा है, इसकी टोटल आप आउटर कॉलम में लिख देंगे सब चीजों की, इज इक्वल टू सम, इन सब की टोटल कर लेंगे चारों चीजों की, ये आपकी टोटल आउटर कॉलम में लिखती। अब इधर की टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड की टोटल 2,61,750। अब असेट साइड की भी टोटल कर लेते हैं। असेट साइड की भी टोटल आपकी 2,61,750। देखिए, बड़े आराम से, बड़ी आसानी के साथ आपकी बैलेंस शीट, बिना कोर ये आपके पास पेपर का हिस्सा में 12 मार्क का आया था, बड़े आराम से हो गया आपके सामने। 12 मार्क के लिए आपके पास 24 मिनट का टारगेट होता है। आपने आराम से ये सम को 25 मिनट प्लस, और ये मैंने आपको समझाते हुए करवाया। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड। अब प्रैक्टिस करना आपको ही है, कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा मेल आईडी है, मैं लिख देता हूं। ये मेरा मेल आईडी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके जो भी सवाल हो यहाँ पे लिखिए, सब सवालों का जवाब दिया जा रहा है। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, प्लीज प्रैक्टिस करिए। आप घर पर हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।